हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी CNS पैथोलॉजी। तो शुरू करते हैं उसको। पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले CNS के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर पैथोलॉजी आ सकती है ना? तो सेल्स जो होते हैं, एक तो हमारे न्यूरॉन्स हैं जो हमारा काम करते हैं CNS का, राइट। दूसरे होते हैं ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स होते हैं सपोर्टिंग सेल्स जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। अब जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं माइक्रोग्लाया, एक होते हैं मैक्रोग्लाया। ये जो तीन दिख रहे हैं दीज आर द मैक्रोग्लाया। ओके, ये बात से कंफ्यूज नहीं होना कि माइक्रोग्लाया है तो और मैक्रोफेजेस है। मैक्रोग्लाया इज नॉट मैक्रोफेजेस। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली मैं ही हो जाती हूँ। तो फिर ये है हमारे मैक्रोग्लाया। तो इसे याद कैसे रखना कि जो मैक्रोग्लाया है उसमें ज़्यादा है, मैक्रो ज़्यादा, तो एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। लेकिन माइक्रो में एक ही है, दैट आर मैक्रोफेजेस। सो जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो क्या हैं? वो स्टार शेप्ड सेल्स हैं। एस्ट्रो का मतलब ही स्टार होता है। स्टार शेप्ड सेल्स जो कि रिपेयर और स्कार फॉर्मेशन के लिए, कि जब कोई प्रॉब्लम हो गई उसके बाद उसको रिपेयर करना है, उसके बाद उसका स्कार फॉर्मेशन करना, उसमें काम आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एपेंडाइमल सेल्स जो हैं वो बेसिकली हमें दिखते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, इसका काम क्या है? इसका काम है कि माइलिन की प्रोडक्शन करवाना। ये जो माइक्रोग्लायल सेल्स है जो कि हमने मैक्रोफेजेस बोले हैं, ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस हैं CNS के। ये लोग डिराइव्ड हैं मीजोडर्मल से। सब कितना MM हो गया ना, तो मीजोडर्म से ही डिराइव्ड है। MMM, मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये खुद मॉडिफाइड हैं काफ़ी टाइप्स में। इसकी मॉडिफिकेशंस आती हैं सिडरोफेज, जिटर सेल्स, रॉड सेल्स, माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स। सिडरोफेज क्या होता है? जब यही मैक्रोफेजेस जब आयरन को कंज्यूम कर लेते हैं तो हम उसे सिडरोफेज बोलते हैं। सिडरो का मतलब ही होता है ना आयरन। देन कम्स गिटर सेल्स या जिटर सेल्स, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ये तब बनते हैं जब जो मैक्रोफेज हैं वो लिपिड को एंगल्फ कर लेता है। देन रॉड सेल्स। रॉड सेल्स में क्या होता है? इसमें इलोंगेशन होता है न्यूक्लियस का। मतलब हमारे ये मैक्रोफेज है तो यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका इलोंगेशन हो जाना, ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर द रॉड सेल्स। साफ साफ पता लग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं हो गई है। ओके, देन कम्स द माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स। माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स होते हैं जैसे हमारे जो सेल्स हैं वो नोड्यूल की तरह आ जाए उसके आसपास। जैसे कि HIV में होता है ये माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं वो सपोज़ कहीं पे नेक्रोसिस हुई है, यहाँ पे कोई नेक्रोसिस हुई है, तो उसके आसपास जो है मैक्रोफेजेस ऐसे करके नोड्यूल बना लेंगे। लेट मी शो यू। तो ये जो केस है, दिस इज़ HIV का केस। इस केस में ये नोड्यूल बना हुआ है। और ये जो रॉड सेल्स है ये किसकी स्पेसिफिसिटी है? ये होता है इन केस ऑफ न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस कौन सी स्टेज होती है सिफिलिस की? डू यू रिमेंबर? सिफिलिस की तीन स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो दिस इज़ द न्यूरोसिफिलिस इज़ द टर्शरी स्टेज। तो उसके केस में रॉड सेल्स बनते हैं स्पेसिफिकली। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ न्यूरोनोफेजिया। मैक्रोफेज है जब वो एक न्यूरोन को एंगल्फ कर लेता है। ये अंदर न्यूरोन है और यहाँ पे उसने एंगल्फ कर लिया है, तो दिस इज़ न्यूरोनोफेजिया। और ये जो न्यूरोनोफेजिया है दिस अकर्स इन पोलियो। जो हमारे एस्ट्रोसाइट्स हैं, मैंने आपको बोला कि ये रिपेयर वगैरह में काम करते हैं ना, उस मतलब जो भी कोई इंजरी हुई तो उसका रिस्पॉन्स है एक स्पेसिफिक। तो हाउ दे रिस्पॉन्स? मैक्रोफेजेस ने तो इंगल्फ कर लेना है ना, लेकिन जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, उनका रिस्पॉन्स टू इंजरी क्या है? तो वो देखते हैं। पहला है दैट इज़ जेमिस्टोसाइटिक एस्ट्रोसाइट्स। वो बना लेते हैं जेमिस्टोसाइटिक एस्ट्रोसाइट्स। वो क्या होते हैं? डेंस पिंक कलर का साइटोप्लाज्म हो जाता है उनका। न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी में चले जाता है। और इसका क्वेश्चन भी आता होता है, ऐसे दिखा देंगे आपको इमेज। ये जैसे हमारा वो है, राइट, तो इसके अंदर ये यहाँ पे नॉर्मली इसे सेंटर में होना चाहिए अब, लेकिन ये पेरीफेरी में जा चुका है और डेंस पिंक कलर का साइटोप्लाज्म है। देखो पूरा डेंस पिंक है और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में आ चुका है। ये जो कंडीशन होती है, और इसमें कहीं पे आपको स्टार शेप नहीं दिखेगी। सो दिस इज़ अ जेमिस्टोसाइटिक एस्ट्रोसाइट्स। जो सेकेंड आती है एल्जाइमर टाइप 1 एंड एल्जाइमर टाइप 2। एक बात याद रखनी है कि ये जो एल्जाइमर है इसका कोई भी लेना देना जो एल्जाइमर डिजीज़ है उसके साथ नहीं है। ओके, ये बस एक नाम है, इसको उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। एल्जाइमर टाइप 1 जो है इसमें क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं एस्ट्रोसाइट्स। यहाँ पे क्या बोला था हमने, जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में चला गया जेमिस्टोसाइटिक में, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं एस्ट्रोसाइट्स। और ये कंडीशन कहाँ पे दिखती है हमें? ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें दिखती है PMLE में, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। उस केस में ये हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखते हैं एस्ट्रोसाइट्स। टाइप 2 में क्या होता है कि जो वेजिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, वेजिकुलर क्रोमैटिन। और ये आपको कहाँ दिखता है? ये दिखता है विल्सन्स डिजीज़ में और हीपैटिक इंसेफेलोपैथी, दोनों ही लिवर की प्रॉब्लम्स हैं।
तो इनमें क्या होता है, जैसे हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में हाइपर एमोनीमिया वाली कंडीशन हो जाती है, अमोनिया जब ज़्यादा हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है और ब्रेन में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, मैंने आपको बोला वेजिकुलर क्रोमैटिन, ये देखो यहाँ पे वेजिकल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये है और अंदर ये, तो बीच में आपको दिख रहा है एक पेरिफेरी में एक स्पेस है, दिस इज़ अ वेजिकुल। देन आते हैं हमारे रोजेंथल फाइबर्स। रोजेंथल फाइबर्स इओसिनोफिलिक फाइबर्स हैं, ओके। रेड इओसिनोफिल मतलब वो स्टेन करेंगे रेड पिंक। ये दो प्रोटीन से बने हुए हैं, दो हीट शॉक प्रोटीन से, जिसे हम लोग HSP बोल देते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स, ओके। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो वो है HSP27 और अल्फा बीटा क्रिस्टलिन, और एक तो इससे बना है, दूसरा बना है यूबीक्विटिन से। ये अलेक्जेंडर डिजीज और पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा हम अभी पढ़ेंगे कि उसके वो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है, तो ये जो पाइलोसिटिक होता है वो ग्रेड 1 होता है, जो कि बच्चों को होता है, तो उसके अंदर रोजेंथल फाइबर्स पाए जाते हैं। साथ में अलेक्जेंडर डिजीज में, अलेक्जेंडर डिजीज कुछ नहीं होती, इसमें होता है कि जो माइलिन है ना, माइलिन शीथ होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो दैट इज अलेक्जेंडर डिजीज। तो इसमें अलेक्जेंडर डिजीज में GFAP जीन में म्यूटेशन आती है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे देख लो, ये जो लंबे लंबे आपको पिंक कलर के ऐसे फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर द रोजेंथल फाइबर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जैसे अलेक्जेंडर डिजीज है उसके अंदर आपको वो दिख सकती हैं कॉर्पोरा एमेलेशिया, उसमें शीट्स होती हैं कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड लेमिलेटेड शीट्स होती हैं और वो PAS पॉजिटिव होती है। सिनाइल चेंजेस में भी ये वाला चेंज दिख सकता है कॉर्पोरा एमेलेशिया का, एमेलेशिया मतलब एमोलॉइड। तो ये हमने देख लिए कुछ रिस्पॉन्स टू इंजरी। So yeah, this was all about it. If you have any query, you can ask me. If you like the video, please subscribe. Thank you.